मैंने डिसाइड किया है कि शनाया और आरव के शेयर्स मेरे नाम पे। इनके पैसों को मैं सही तरह से इन्वेस्ट करूँ। वेल, ये दोनों छोटे हैं, सही डिसीजन नहीं ले सकते और शनाया की हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो यही सही होगा कि मैं सही तरीके से इनके पैसे इन्वेस्ट करूँ। है ना शनाया? शनाया, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम पैरालाइज्ड हो, राइट? हाँ, लेकिन शनाया, चाहे जो भी हो, हूँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तो मैं अपनी छोटी बहन को हमेशा सपोर्ट करूंगी। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती ना। तो आप एक काम कीजिए कि इसमें क्लॉज डाल दीजिए कि शनाया और आरव के शेयर्स मेरे नाम पे होंगे। जी। नहीं, मैं लतिका को ऐसा करने नहीं दे सकती। आई डोंट ट्रस्ट हर। और वैसे भी मुझे जैसे ही मेरे पैसे मिलेंगे, मैं आरव को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या सोच रही हो? यह है कि तुम हम सब पे ट्रस्ट कैसे करोगे? Well, I understand. तुम हम पे भरोसा कर भी कैसे सकती हो? इस घर में तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है ना? But you know what? मुझे लगता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर पाओगे। जब मामा दिल्ली गई थी अवार्ड कलेक्ट करने के लिए, तब मैंने हमारे बीच एक अलग सा बॉन्ड फील किया था जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था शनाया। आई होप तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है। हाँ। वंडरफुल। देखा आप सबने, शनाया भी मुझ पे ट्रस्ट करती है एंड आई एम श्योर मैं उसके शेयर्स अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। डैड, आप प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। मामा, आप भी साइन कर दीजिए। शनाया, जब मुझे साक्षी ने तुम्हारी असलियत बताई थी ना कि तुम अपाहिज नहीं हो, तो एक सेकंड को मुझे यकीन नहीं हुआ था। बट नहीं, सब ड्रामा है ना। थैंक यू वकील साहब। तो तुमने अपना मुंह खोल ही दिया ना फाइनली। राइट, साक्षी हमें पहले ही सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन हम तुम्हारी असलियत सबके सामने लाना चाहते थे, सबको दिखाना चाहते थे। तो ये सब बिजनेस, शेयर्स, बंटवारा, कि ये सब क्या था? सब नाटक था शनाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैरालाइज्ड होके बेड पे पड़े रहने का नाटक इतने दिनों तक करती रहो और हम उसी बेड से तुम्हें उठाने के लिए एक दिन भी नाटक नहीं कर सकते? काफी अच्छी एक्टिंग कर ली थी, पर अफसोस सच को ज्यादा दिन तक तुम छुपा नहीं। अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है, अब क्या करूं? यू शनाया, स्टॉप इट, बंद करो ये नाटक। शारदा, तुम तो सच की राह पर चलने वालों में से हो। मेरी बेटी ने झूठ बोला है, इसने ये सब नाटक किया। इसने ये नाटक भी नहीं किया बल्कि एक क्राइम किया। इसे सजा मिलनी चाहिए। She has to be punished. Yes, mom. इसे सजा मिलनी चाहिए। इसी की वजह से मैं जेल गया। इसी की वजह से आप मुझसे नफरत करने लगी, मुझे गुनहगार समझने लगी। इसने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा था ना आपसे मामा,
ये लड़की आस्तीन का सांप। चुप हो जाओ तुम लोग। मैं मानती हूँ शनाया ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या तुम लोगों ने सोचा है इसने ये सब कुछ क्यों किया? मैं मानती हूँ शनाया ने कभी इस घर को नहीं अपनाया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसे अपनाया है? नहीं ना, तो फिर तुम लोगों को उस पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। शनाया ने जो कुछ भी किया ना, उसकी जिम्मेदार हम सब हैं। शनाया, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हें भी इस घर को अपनाना होगा। नहीं शारदा, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैंने बहुत गलतियां की है। मैं अपनी गलतियों के लिए तो आप लोगों से माफी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मैं माफी के लायक हुई नहीं। शारदा माँ, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने करण के साथ, साक्षी के साथ, लतिका दी के साथ और आपके साथ कितना बुरा किया। मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। आशा, गलती तो तुमने बहुत बड़ी, तो सजा भी मिलनी ही चाहिए। तुमने खासकर मुझे बहुत परेशान, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। ननंद बनकर तुमने जो भी किया, अब मुझे भाभी बनकर तुम्हें परेशान करने का मौका तो दो। मैं तुम्हें इस घर से कभी जाने नहीं दूँगी। तू तो मेरी बेटी है और माँ बाप अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देते हैं दिल से। मैं सबको सॉरी कहती हूँ। सॉरी करण भैया, सॉरी साक्षी, सॉरी लतिका दी। डैड, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ माँ, मैं बदलने की कोशिश करूंगी, सच। थोड़ा तो हम सबको ही बदलना पड़ेगा ना, इसी का तो नाम जिंदगी है। और हमें हर रोज कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी, तभी तो हम अपनी एक नई पहचान बना सकेंगे। सॉरी दादी। लिटिल ब्रो, मैंने ज्यादा जोर से थप्पड़ तो नहीं मारा ना? दी, आप दिखने में जरूर पतली हो, लेकिन हाथ माइक टायसन जैसा है। इतनी जोर से लगा था मुझे। अच्छा, गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब एक माँ गलती करे तो माँ कभी गलत नहीं होती। हाँ, वो नाराज जरूर होती है, लेकिन उसकी नाराजगी में भी बहुत प्यार छुपा होता है। अब अगर ये माँ मुझसे नाराज नहीं तो क्या मैं इसके गले लग सकता हूं?
मैंने सबके लिए आलू के पराठे और खीर बनाई और सबका मनपसंद नाश्ता भी बनाया है। और मेरे लिए क्या बनाया है? सुनीता, आपके लिए आपका मनपसंद मक्खन बनाया है मैंने। यू नो शनाया दी, आपने जो कुछ भी किया मैं समझ सकता हूँ क्यों किया, लेकिन आप हम एक परिवार, मोदी परिवार, एक चीज की कमी है। क्या? आपकी स्माइल। आरव, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ा। आरव, आरव, वेट। कौन? नहीं, क्यों? उप्स, हम सॉरी करण भैया। क्या शनाया, व्हाट इज दिस? ये पानी पीने के लिए होता है, इसे ऐसे छिड़का नहीं करते। ये क्या शनाया? अरे शनाया, ध्यान से गिर जाओगे। देखो ना रतिका, मुझे कब से दोनों परेशान कर रहे हैं। रतिका, आप एक फेवर करोगी? एक शर्त पे। क्या? तुम्हें मुझे लतिका दी बोलना होगा। भई लतिका दी, लतिका दी, कम कम करना। अरे क्या बात है? तुम कह रही थी ना डाइनिंग टेबल पे कुछ फेवर चाहिए मुझसे, बोलो। लतिका दी, वो मैं शनाया, कोई नहीं आएगा, टेल मी। और तुम क्यों घबरा रही हो, बोलो। लतिका दी, मैंने क्या सोचा है? वेरी गुड, इट्स एन ऑसम प्लान। मॉम, डैड, करण, साक्षी, दादी, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ शनाया? अरे इतना अंधेरा क्यों? लाइट चली गई। अरे क्या हो गया? सरप्राइज! ये सब किसने किया? हमने लेकिन किस लिए? माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी फैमिली का पार्ट होना कितना अच्छा हो सकता है। मॉम के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आप सब लोगों के साथ रहकर, आप लोगों को इतना खुश देखकर, आप लोगों की फैमिली का एक पार्ट बनकर मैं बहुत खुश हूँ माँ। आई एम रियली हैप्पी। और इसी खुशी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने और लतिका दी ने ये सरप्राइज पार्टी रखी है। ओ, एक सरप्राइज और भी है। क्या? एनी गेसेस? पद्मा आंटी। हेलो। नमस्ते। मॉम, हैप्पी नाउ? सुपर हैप्पी। पर आप यहाँ? शनाया ने मुझे बुलाया है और कहा कि मैं तुम लोगों को ना बुलाऊं। थैंक यू सो मच शनाया। वेलकम भाभी। अब केक की बारी। केक। मॉम, डैड, आप केक काटिए। अरे पर इस पे फैमिली लिखा है तो सब लोग मिलके काटेंगे। हाँ चलो सब लोग काटेंगे साथ में। पूरे परिवार को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी बात पे
कुछ बदलना।